हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि आज हम मंदिर आए हैं। आज आए हैं हम हाटू माता मंदिर नारकंडा। तो गाइस, मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा और मैं आपको जुड़ूंगी। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा लोग हैं। तो गाइस, बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक। और कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके। मंदिर में बहुत ज़्यादा रश है, आप देख ही पा रहे होंगे, तो अंदर दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और ये देख सकते हैं आप लोग, मन्नत की चुनर बांधी है पूरे कैंपस में कितनी ज़्यादा है। माना जाता है कि आप जब कोई विश मांगते हो और साथ में यहाँ पे इस चुनर को बांधते हो तो वो पूरी हो जाती है, मान्यता ये है। बाकी रियलिटी मुझे नहीं पता। तो गाइज़, ये देखिए मंदिर का व्यू, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे देखने के लिए। आप लोग ज़रूर आइएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको मंदिर। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज से पहले भी गई थी, मैं स्कूल से गई थी एक बार पिकनिक में और उसके बाद आज आई हूँ। उस टाइम यहाँ पे मंदिर नहीं बना था, उस मंदिर बनने का काम स्टार्ट हुआ था, बट आज मैं आई तो मैंने देखा कि कितना सुंदर मंदिर बना है। तो आप लोग भी आइएगा और इन्जॉय कीजिएगा इस ट्रिप को। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, बहुत ठंडा ठंडा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ पे पहुँच के हमें। और मंदिर के साथ ही लगा था भंडारा, तो हम लोगों ने भंडारा भी खाया। तो आप लोग भी आइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, अपनी फैमिलीज़ के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए और मज़े कीजिएगा। Thank you.
के साथ ही एक मेला लगा था। मैं आप लोगों के साथ ये पूरा नहीं शेयर कर पाई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी। बारिश के साथ साथ ओला भी आ रहा था। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई है, और बारिश भी देख रहे होंगे आप लोग। तो हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रह पाए, इसलिए मैंने आपके साथ आगे का व्यू शेयर नहीं किया। हम खुद भी अच्छे से नहीं घूमे इस बारिश की वजह से। तो गाइस कैसा लगा व्लॉग? तो ये अब हम वापस चल पड़े हैं घर की ओर। मैं आते टाइम व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाम लगा था, इतना ज़्यादा रश था कि गाड़ियाँ एक डेढ़ घंटे तक हम लोग खड़े रहे थे जाम में। उसके बाद निकले तो मैंने सोचा शाम को आते टाइम मैं व्लॉगिंग कर लूँगी, वीडियो यहाँ की बना लूँगी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि बहुत तेज़ ओला आने लगा था और हम फिर जल्दी जल्दी में निकल गए। तो जितना भी थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर पाई वो मैंने आप लोगों के लिए इसमें अपलोड कर रहा है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखिए गाइस हम जा रहे हैं, इस टाइम भी जाम लगा है क्योंकि ये सिंगल वे रोड है। कितना घना जंगल है। क्या आप लोग गए हैं कभी हाटू माता मंदिर? अगर नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लेक सा बना हुआ है और सुंदर सा टेम्पल है ये, आप लोग ज़रूर जाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अब हम पहुँच गए हैं रोड में, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप गाड़ियाँ खड़ी है। हम भी खड़े थे करीब करीब डेढ़ घंटे तक। ये गाड़ियाँ मंदिर जाने के लिए रोकी गई है, फिर पहले गाड़ियाँ नीचे से भेजी जाती है, फिर इन गाड़ियों का वापस आने का वेट होता है, फिर पैसेंजर शिफ्ट जाती है। तो ये प्रोसेस चला है ताकि जाम ना लगे क्योंकि ये रोड सिंगल वे है। तो अगर गाड़ी रास्ते में मिल जाए तो पास करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इनको इस तरीके से पहले ही अरेंज करके रखा था। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कितनी सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी है, इन सभी ने मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। तो देख लीजिए आप लोग भी, अगर आप लोग जाएँ तो मॉर्निंग में जल्दी आए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है मंदिर जाने का। सुबह रश कम होता है तो आप आसानी से निकल सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग भी पूरे डेढ़ घंटे तक जाम में खड़े थे और फिर जाके हम लोग मंदिर पहुँचे। तो गाइस से देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। गाइस कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कि आपको कैसी लगी हमारी आज की टूर। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट।